सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, वंस अगेन वेलकम फ्रॉम हरिहरेश्वर। गुड मॉर्निंग गाइज। कितने बजे है? सुबह के कुछ 6:30 बजे और जस्ट हम लोग अभी उठे। अब आप पे देख सकते हो कि सनराइज हो रहा है, इसलिए हमें फटाफट वो बीच पे जाना पड़ेगा सनराइज़ के लिए। और लाइक सुबह सुबह का माहौल इतना प्यारा है कि क्या बताऊँ यार। मतलब अच्छी, एकदम ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, लेकिन एक अच्छी ठंडक है यहाँ पे। मीठी मीठी ठंडी है। एक अच्छी महक है और एक अच्छी हवा, मतलब ना बहुत फ्रेश फील होता है। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते मैं और रूपेश, फटाफट वो बीच के पास जाते हैं और आपको बहुत ही खूबसूरत सा सनराइज़ दिखाते। चलो अभी रूम से निकल गए और जा रहे हैं सनराइज़ देखने के लिए। सनराइज़ तो हो चुका है, लेकिन जो और थोड़ा सी बचा है वो देखने के लिए जा रहे हैं। जब से इस प्रॉपर्टी के अंदर आए ना, तब से मुझे मोर की आवाज़ आ रही है। दिन रात मुझे वो मोर की आवाज़ आती है, बट दिखता नहीं है। रुपेश को दिखा है, लेकिन मुझे नहीं दिखा है। 6:07 का था सनराइज़ और अभी कुछ हो रहे हैं 6:34 और लाइक ऑलमोस्ट सनराइज़ हो चुका है। काश लाइक थोड़ा पहले आप आते तो एक बहुत ही खूबसूरत सा टाइमलेस ले लेता मैं, बट कोई बात नहीं, अभी भी बहुत लोग आते हैं। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यार लाइक होटल के अंदर तो बहुत सारे जने, लेकिन सनराइज़ देखने को भी नहीं आया है। पता है ना, सबको अपनी नींद बहुत प्यारी होती है, पूरा बीच खाली है। बहुत दिनों के बाद मैं खुद पर्सनली सनराइज़ देख रहा हूँ, बिकॉज इतना सुबह सुबह उठने होता नहीं है। एंड पैंडेमिक के अंदर कभी बाहर घूमने जाना भी नहीं होता है, और इन केस कभी बाहर चले गए तो लाइक सनराइज़ के टाइम तो हम सोते रहते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, अभी मैं इसका एक बहुत ही प्यारा सा ये क्या बोलते हैं उसको यार, टाइम लैप्स शूट कर रहा हूँ। टाइम लैप्स के अंदर आप देखिए, बहुत प्यारा सनराइज़ है। हमने देखा कितना खूबसूरत सा सनराइज़ था यहाँ पे। इसको तो इतनी अच्छी नींद आई कि लगा यहाँ पे लेट गया है मन में। एंड अभी क्या बोलूँ यार, मेरे को भी मतलब इतनी सुबह सुबह में उठ के अभी वापस थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर उसके बाद वापस नाश्ता करते हैं। एंड उसके बाद में दरगाह पे सलामी देने के लिए जाएंगे और उसके बाद में फिर मुंबई के लिए अपने घर पर निकल जाएंगे। जितनी सुबह सुबह निकले उतना अच्छा रहता है, बिकॉज रात में आके देख लिया था बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोड जो है बहुत ख़राब है यहाँ के, इसकी वजह से लाइक रात में तो निकल नहीं सकते ना। तो हम लोग आज का दिन भी यहाँ पे पूरा एक्सटेंड करने वाले थे, बहुत सारी चीज़ें देखने वाले थे, बट कुछ ज़्यादा ही लंबा 200 किलोमीटर है, तो 12 बजे तक हम लोग ऐसे निकल जाएंगे। अभी जब सनसेट देखने के लिए गया था, अभी जब सनराइज़ देखने के लिए गया था, तो मेरे जूते है ये लाइक कैसा एक पैच आता है जहाँ पे बहुत पानी होता है, मट्टी दलदल टाइप रहता है, तो वहाँ पे गए और पूरे मेरे जूते के अंदर पानी घुस गए। मुझे अभी थोड़ी देर के अंदर राइड करनी है, तो मैं यहाँ से होटल रूम वाले से बोल रहा था कि अगर हेयर ड्रायर आता है तो काफ़ी हेल्प हो जाती, मैं सुखा देता, बट अभी जो नैपकिन से मैं उसे सुखा दूँ। तो राइट नाउ वी आर इन होटल और अभी मैंने ये उपमा ऑर्डर किया है, ये तकरीबन मुझे 60 रुपये का आया है। ये रुपेश क्या खा रहा है तू? एग रेड ऑमलेट। ब्रेड ऑमलेट कितने का आया? ये 110-120 का है। ये साइड के हिसाब से थोड़ा सी हल्का सी कॉस्टली है, लेकिन जो मतलब क्वालिटी है ना एंड क्वान्टिटी है वो बहुत अच्छी है, सेटिस्फाइंग है। प्लीज़ जल्दी चल, 10 बजे का उसने अपने को टाइम दिया है। 10:10 हो रहे यहाँ पे, जो दूसरे 10:10 हो रहे और यहाँ पे जो दूसरे गेस्ट है ना, ये 10:30 बजे एंटर होते हैं। मैं ये कल से सोच रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन मेरे दिमाग से हट जाता है। आप पता है जो पहले मच्छर भगाने का जो आता था, वो गर्म करने का, वो अभी तो लिक्विड डालते, लेकिन पहले ना ये कॉइल डालना होता था। ये देखो, ये अभी भी वो ओल्ड सिस्टम है। ये देखो नीचे गिर गया। ये गुड नाइट का जो पहले आता था ना, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। अब जैसे रुपेश के टाइम लैप्स में आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे तैयार होकर बहुत टाइम से बैठा हूँ, लेकिन रुपेश का ये पैकिंग वगैरह हो ही नहीं, इतना तो पैकिंग कोई लड़का मतलब कोई लड़की भी नहीं करती यार, जितना तू मतलब इसने लड़की को भी बीट कर लिया। ये कभी अपनी वाइफ के साथ किधर जाएगा ना, तो उसकी वाइफ पहले तैयार हो जाएगी, सबसे लास्ट में ये हो जाएगा। 9:30 का टाइमिंग था, 10 बजे तक की परमिशन थी, 10:30 बजे हम बाहर जा रहे हैं। चाबी इधर है, मैंने तो वो बोला था ना, तू रूम बंद कर दिया। अरे बात नहीं, चाबी रुक जाए, एक मिनट
अबे चाबी उधर इधर रहती है क्या? बात क्या बात करता है ये खुद पागल है और मेरे को भी पागल बना रहा है। तो यार चलो बाय बाय हरी हरेश्वर, बंद अभी बंद हो जाएगा। बाय बाय रूम, बाय बाय। ये फैमिली व्लॉग शुरू करें। ये ना आपको देखो बोलता है कि भाई यहाँ तक ला। हाँ मैं किधर भी नहीं खड़े रह सकता हूँ, मैं किधर भी नहीं। एक सबसे बड़ा दुख ये है कि तेरा कौन सा कार्ड है? एयरटेल। एयरटेल का नेटवर्क नहीं आ रहा है। जो बड़े बड़े ब्लॉगर लोग बोलते थे ना एयरटेल का नेटवर्क यहाँ पे आता है, एयरटेल का नेटवर्क वहाँ पे आता है, एयरटेल का नेटवर्क हरी हरेश्वर में नहीं आता है। जियो का नेटवर्क हर जगह पे आता है। नो पेड प्रमोशन, प्योर सेटिस्फाई, मतलब प्योर अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट कितना किलोमीटर कवर किया अपन ने? 50 से ज़्यादा, 203 किलोमीटर हमारे होटल से चेंबूर तक दिखा रहा था। अभी 146 किलोमीटर बाकी है और हमने ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर के आसपास कवर कर चुके हैं। और ये मतलब रास्ते में एक बहुत ही मतलब बोलते ना दुर्घटना हो गई। दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसका जो जैकेट था वो जैकेट मतलब जो रेन कवर का जैकेट था वो गिर गया। एंड उसने वो जैकेट कहाँ पर रखा था मैं बता देता हूँ। मेरी जो सीट है ना ये बहुत हार्ड है, तो उसको सॉफ्ट मतलब उसके अंदर एक्स्ट्रा कुशन करने के लिए उसने नीचे जैकेट रखा था। और उसके नीचे तो वो जैकेट कब सीख मतलब बोलते ना सड़क के कभी गिर गए उसको खुद को पता नहीं चला। फिर भी हमने थोड़ा पीछे गए लेकिन जैकेट नहीं मिला। अब इसके भाई का जैकेट था, मतलब एक ये अनफॉर्चुनेट थिंग हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं अभी तक की हाँ, लेकिन जो राइड है वो बहुत ही अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है। हाँ बहुत गर्मी तो है लेकिन जब बाइक पर रहते हो तो गर्मी का एहसास नहीं होता है। तो अभी नेक्स्ट स्टॉप में तकरीबन 50 या 60 किलोमीटर के बाद लेने वाला हूँ, तब आपसे मिलता हूँ। तो ये हमारा सेकंड ब्रेक है। अगर आप सोच रहे हो कि रुपेश किधर गया, रुपेश होटल के अंदर ऑलरेडी चले गए हैं। एंड बहुत लाइक ऑलमोस्ट हमने अभी 70 किलोमीटर राइड की एंड मुंबई जाने के लिए अभी 80 किलोमीटर और राइड करना है, सॉरी 85 किलोमीटर और राइड करना है हमें, 85 टू 90 किलोमीटर होगा। एंड अभी मुँह धो के आपसे अंदर से बात करता हूँ। ये जहाँ पे जब हम रुके हैं ये जोशी वड़े वाले, ठीक है ये जोशी वड़ा पाव है ना? हाँ जो तूने तो बोला था। हाँ वो क्या जोशी वड़ा पाव। तो आपको एकदम ताज़ा रिव्यू दे रहा है रुपेश। जोशी वड़े वाले का वड़े वड़े पाव बहुत अच्छे हैं। 20 रुपये के हिसाब से कैसा दे रहा है ये? मतलब बम्बई में जो अपना 15 रुपये का मिलता है उसके हिसाब से। अच्छा अच्छा, या तो 20 रुपये का वड़ा पाव भी हम लोग ये देखते कैसे हैं। तो वड़ा पाव बहुत ज़बरदस्त था और एक और वड़ा पाव खाने का मन कर रहा है। अभी एक और राउंड यहाँ पे वड़ा पाव का चलेगा, उसके बाद पी जाएगी कॉफ़ी। ब्रेक था वो हम लोग थे 15 से 20 मिनट का लेने वाले थे लेकिन ले लिया ऑलमोस्ट 40 मिनट का। कॉस्ट बदन इतना दर्द हो रहा था, बदन नहीं एक्चुअली भूख लगी थी और मतलब बोलते ना बम जो है वो भी बहुत मतलब दुख रहा था, जिसकी वजह से ये ब्रेक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। अबे रुपेश क्या कर रहा है? जोशी वड़ा पाव के बारे में तेरा क्या बोलना है? कभी भी इस रूट से जाओगे, कोकन का रूट है ये। हाँ जोशी वड़े वाले के पास वड़ा पाव नहीं, जोशी वड़े वाले के पास वड़ा पाव खा के जाना, बहुत अच्छा वड़ा पाव, बहुत टेस्टी रहता है। 20 रुपए का वर्थ है एंड आई एम बेट कि आप एक तो नहीं खाओगे, कम से कम दो खा के जाओगे। एक प्लेट में दो आता है। और सबसे बेस्ट चीज है कि ये जो नॉर्मल पीने का भी पानी ना ये आरओ वाटर देता है, इसलिए हमने अपनी बॉटल भी भर ली है। यहाँ पे पानी खरीदने की हम लोग को जरूरत नहीं पड़ी। सो हे गाइस फाइनली वी अराइव इन मुंबई। और भाई लास्ट के जो आप समझ लो 50 किलोमीटर थे वो दुनिया के सबसे भारी 50 किलोमीटर थे। इतने गड्ढे, इतने स्पीड ब्रेकर, बहुत मैं यही दिमाग में सोच रहा था, इतना गुस्सा गया था ना मेरे को कि कब आएगा घर आखिर यार। लेकिन फाइनली चलो ये जर्नी कंप्लीट हो गई। दो दिन बहुत मज़ा आया बाइक चलाने में, पहाड़ों पर और भी समुद्र के किनारे इंजॉय करने में। और इसकी तो हालत बहुत गंदी खराब हो गई थी, क्या बोलता है? अरे रोक रोक रोक, अरे अभी कैसे है कि और 10 और मतलब 5-10 किलोमीटर चला रहते, मतलब आने ही वाला था ना घर अपना, इसलिए मैं रोक नहीं रहा था। मेरा हाथ दे सकते हो, मतलब ये बाइक चला चला के ना इतना वो हो गया है, मतलब सुन पड़ गया है मेरा हाथ। लेकिन चलो आपको ये ब्लॉग की सीरीज अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, मेरे दोस्त के चैनल को, सबका लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड चलो इसके साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। अपना ख्याल रखो, बाय।